हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ दी पीरियोडिक टेबल। ओके बच्चों, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में लाई करते हैं, ये हमें बताना है। ओके, अब आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ये एस ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक हमने खींच दिया, तो ग्रुप्स की बात तो हम इधर ही करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो ये तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो नीचे पड़े रहते हैं। ओके, दो सीरीज होती है, ऊपर वाली लेंथेनोइड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं ऊपर वालों को हम, लेंथेनोइड्स बोलते हैं। ओके बच्चों, और नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। ओके, लेंथेनोइड वालों को हम 4F सीरीज भी बोलते हैं, कि 4F सीरीज के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये लोग आपके 5F सीरीज वाले हैं। ओके बच्चों, इधर कौन लाई करता है, आपका सीरियम से लेके आपके ल्यूटेटियम तक लाई करते हैं बच्चों। ओके, और नीचे वाले में आपका थोरियम से लेकर के ये लॉरेंसियम तक लाई करते हैं। ओके, तो ये ग्रुप कौन सा हुआ बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों, जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप में आते हैं। किसमें आते हैं बच्चों, थर्ड ग्रुप में आते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2 मतलब एंटी पेनल्टीमेट शेल F1 से लेके 14, N-1, D0 से लेके 1 और NS2, ये होती है। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।